नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूँ। सियासी लड़ाई चल रही, सियासी लड़ाई के ऊपर एक बड़ी अपडेट। करोड़ीबल मीना बोले, डीओआईटी घोटाले की जांच ईडी करे, गहलोत भागते दिखेंगे। राठौड़ बोले, गहलोत सरकार के संस्थागत भ्रष्टाचार, हर सप्ताह एक घोटाला उजागर करेगी बीजेपी। सचिवालय के पास योजना भवन में के बेसमेंट में रखी अलमारी से मिले 1.31 करोड़ कैश और गोल्ड के मामले में बीजेपी अब गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीना ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले में की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग रखी। नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने हर सप्ताह गहलोत सरकार के एक घोटाले को उजागर करने की घोषणा की। सांसद किरोड़ीलाल मीना ने आईटी विभाग के एससीएस के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीना ने कहा कि आईटी विभाग में हुए घोटालों और रिश्वत कांड की जांच ईडी करती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सड़क पर भागते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि उन्होंने कई मामले की जाँच करने के लिए ईडी को पत्र लिखा, लेकिन ईडी ने किसी भी मामले में जाँच नहीं की। मुख्यमंत्री इस मामले की जांच के लिए ईडी को पत्र लिखेंगे, तभी माना जाएगा कि भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भेदभाव नहीं करते हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार एक जॉइंट डायरेक्टर को पकड़कर मामले को बंद करना चाहती है, जबकि यहां 90 जॉइंट डायरेक्टर हैं, 30 एडिशनल डायरेक्टर, 9 टेक्निकल डायरेक्टर, एक कमिश्नर, एक फाइनेंस सेक्रेटरी, एक एसीएस और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री विराज रहे हैं। इस मामले की पूरी जांच केंद्रीय एजेंसियां करेंगी, तभी पूरी चैन खुल पाएगी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस इस समय संस्थागत भ्रष्टाचार करने में लगी है। प्रदेश में 1,33,00,000 बहनों को स्मार्टफोन देने का मामला हो, पोषाहार का मामला हो, किसानों को बिजली कनेक्शन देने का मामला हो या इसके अलावा अन्य विभागीय योजनाएं हो, इन सब में कांग्रेस सरकार जमकर भ्रष्टाचार कर रही है। राठौड़ ने कहा कि पिछले बजट में महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई थी, लेकिन सरकार की चहेती फर्म को चयन नहीं हुआ तो इस योजना को अटका दिया गया। अगर उस कंपनी का चयन होता तो कमीशन छल्ले रास्ते से कांग्रेस पार्टी को मिलता। सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर बीजेपी हर सप्ताह एक घोटाला उजागर करेगी। वहीं 7 जून को सचिवालय के बाहर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिस सांसद किरोड़ीलाल मीना ने डीओआईटी में 4 प्रकरणों में करीब 3,500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने राजकैंप, राजनेट सहित अन्य मामलों में बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से घोटाला करने का आरोप लगाया। किरोड़ीलाल मीना ने कहा कि एसीएस फाइनेंस अखिल अरोड़ा सहित अन्य अधिकारी इन घोटालों में शामिल है, इसकी शिकायत एसीबी में भी की गई है। हाईकोर्ट में भी इन मामलों को लेकर एक पीआईएल दायर है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसीबी को इन मामलों की जांच करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। पिछले 5 सालों से डीओआईटी के मामलों को देखें तो हमारे हिसाब से यह घोटाला 15,000 से 20,000 करोड़ तक जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि ऐसा कौन सा अधिकारी आ गया जो सारे फैसले ले रहा है, 2014 से वही सारे फैसले ले रहा है, कौन है जो सोना लेना पसंद करता है, बर्बाद एक गुलस्तान करने को, सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम एक गुलस्ता क्या होगा। जल्द मिलता हूँ आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और देखते रहिए रियल हेडलाइन न्यूज चैनल। चुनावी साल में एक दूसरे पर लग रहे आरोपों को हम आपके सामने लेकर आएंगे।